पीजी कॉलेज के एमएचडब्ल्यू छात्र दीपक महेश्वरी ने बताया कि शासन द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर 50% अंक या इससे अधिक होने की आवास भत्ते की पात्रता होती है, जबकि इसके पूर्व बैचलर कोर्स में पिछले 3 वर्षों में आवास भत्ता मिलता रहता है। इस संबंध में कॉलेज के छात्रवृत्ति विभाग ने जानकारी ली तो बताया कि हमें कोई ऐसा आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऑनलाइन मामले में अधिकतर निर्णय शासन स्तर पर भोपाल से लिया जाते हैं, परंतु कई बार हमें आदेश भी प्राप्त नहीं होते। छात्र दीपक का कहना है कि मास्टर डिग्री में मेरे 70% अंक होने से अधिक है, इसके पश्चात भी आवास भत्ता फार्म ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है। एमएचडब्ल्यू छात्र सुल्तान भुट्टो का कहना है कि शिवराज मामा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक विरोधी हैं। भोपाल से ऑनलाइन पोर्टल को 50% अंक पर लॉक कर प्रदेश में 1000 छात्र छात्राओं को आवास भत्ते से वंचित कर दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमने प्राचार्य को राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन दिया है आवास भत्ते के लिए, जो कि शासन के द्वारा आवास भत्ते को, मतलब शासन ने सरकार को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन भोपाल से डिजिटल तरीके से उसे लॉक कर दिया गया लिंक को। क्या समस्या, कितने बच्चों का आवास भत्ता रुका है? जो पूर्व में कोरोना काल में जो एग्जाम हुई थी ओपन बुक से, उसमें मेरे 50% 25 पॉइंट है। जो अभी मैंने पूर्व मतलब वर्तमान में जो एग्जाम दिया MHW, उसमें मेरे 70% है, बाकी उसको सरकार उसको मान्य नहीं कर रही है। अंकों के चक्कर में उलझ रही है राशि जी। क्या नाम है? मेरा दीपक माहेश्वरी, विलेज फ्रॉम मेनगांव। ये प्राचार्य से मिले कुछ शिकायती आवेदन सौंपा है, क्या समस्या है? आज हमारे द्वारा प्राचार्य को राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है। प्रदेश की शिवराज सरकार जो है दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक विरोधी जो उन्होंने काम किया है, उसके विरुद्ध हमने जो है आज ज्ञापन दिया है। जो आवास भत्ता मिलता है STST को, उस भत्ते को जो है शासन स्तर पर भोपाल से 50% पर लाद कर दिया गया, और इस 50% पर लाद करने के कारण आज जो है प्रदेश के हजारों छात्र छात्राएं आवास भत्ते से वंचित हो चुके हैं। साथ ही इसके पूर्व भी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में भी इन्होंने 50% की गाइडलाइन जारी की, उसके माध्यम से भी जो है 50% की गाइडलाइन जारी कर उसको भी लाद कर दिया गया, और उससे भी हजारों छात्र छात्राएं प्रदेश के जो है अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति से भी वंचित रह चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि बैचलर में कुछ बच्चों के 50% या 1-2 पॉइंट कम है, वहीं मास्टर डिग्री में उनके परसेंटेज 70-80% है, 70% है, 75% है, लेकिन उनका भी जो है आवाज भत्ते में फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में जो है उसको लॉक कर दिया है। इसके विरुद्ध जो है हमने प्राचार्य से मांग की है, राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि इस समस्या का तुरंत हल कर प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ। क्या नाम? सुल्तान भुट्टो, MHW प्रथम वर्ष का छात्र। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।